नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। पासपोर्ट की मदद से आम नागरिक सरहद पार आसानी से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पासपोर्ट आज के समय में पहचान पत्र के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे में अब पासपोर्ट बनवाना और ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि अब आम नागरिक को पासपोर्ट बनवाने के लिए किसी पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि अब आप अपने पास के डाकघर जाकर के पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार देश भर में कुल 424 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना की गई है, जिसके तहत ही अब करीबी डाकघर में लोग पासपोर्ट के लिए आवेदन और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की सुविधा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आवेदकों को नजदीकी डाकघर के कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा। इंडिया पोस्ट ने इस ऐलान को सार्वजनिक करने के लिए अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट जारी किया है, जिसमें इंडिया पोस्ट ने लिखा है कि अब कोई भी आम नागरिक अपने नजदीकी डाकघर के CSC काउंटर पर पासपोर्ट के लिए पंजीकरण और आवेदन आसानी से कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप नजदीकी डाकघर भी जा सकते हैं। पासपोर्ट इंडिया की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार नए सिस्टम के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र पर सभी आवेदकों को आवेदन की प्रिंट रसीद और मूल दस्तावेज के साथ शारीरिक रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य है। अब आइए आपको बताते हैं कि पासपोर्ट के आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले आवेदक के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों का होना जरूरी है। वो कौन कौन से दस्तावेज हैं? इसमें पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड या वैध फोटो पहचान पत्र, उम्र का सबूत जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पते का सबूत जैसे बिजली बिल, पानी बिल, गैस कनेक्शन, मोबाइल का बिल, बैंक अकाउंट का फोटो, पासबुक, रेंट एग्रीमेंट शामिल है। ये तो हो गए जरूरी दस्तावेज। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि पास के डाकघर में तो चले जाएंगे, लेकिन वहाँ आवेदन कैसे करेंगे? तो हम आपको बता दें कि इसके लिए आप पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट passportindia.gov.in पर जाएं। यहाँ आपको सबसे पहले पासपोर्ट आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन भरना होगा। आवेदन को ऑनलाइन जमा करने के बाद आप अब मूल दस्तावेज और पासपोर्ट सेवा केंद्र का आवेदन प्रिंट रसीद लेकर करीबी डाकघर जा सकते हैं। जैसे ही इसको लेकर अधिकारी की तरफ से पुष्टि मिल जाएगी, वैसे ही पासपोर्ट 7 से 14 कामकाजी दिनों के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि आवेदक ध्यान रखे कि पासपोर्ट सेवा केंद्र या डाकघर के पासपोर्ट सेवा केंद्र पर अपने पासपोर्ट आवेदन को जमा करने के लिए जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार अगर पासपोर्ट आपके पास के डाकघर में उपलब्ध होने लगे तो इससे आम नागरिकों को सहूलियत मिलेगी या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।